हेलो लर्नर्स, आज हम पढ़ेंगे एमआरटीपी एक्ट 1969 के बारे में और उसके प्रोविजंस के बारे में, और फिर ये जानेंगे कि किस तरह से 1992 में जब भारत में इकोनॉमिक रिफॉर्म स्टार्ट हुए तो एमआरटीपी एक्ट जो था वो ऑब्सोल्यूट हुआ और उसको रिप्लेस किया कंपटीशन एक्ट 2002 ने। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये एमआरटीपी एक्ट क्या था। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, भारत इंडिपेंडेंट हुआ, तो उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर शुरू हुआ भारत में। कई छोटी बड़ी कंपनियां जो थी वो एग्जिस्टेंस में आई, कई बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ का मार्केट में मोनोपोली स्टार्ट होगी, मतलब उनका एकाधिकार शुरू हो गया मार्केट में। तो उनकी इस मोनोपोली को रोकने के लिए भारत सरकार एक एक्ट लेके आई जिसको कि एमआरटीपी एक्ट कहा जाता है। तो अब हम देखते हैं कि एमआरटीपी एक्ट क्या था। तो एमआरटीपी एक्ट है वो 18 दिसंबर 1969 में पार्लियामेंट में पास हुआ था। 1 जून 1970 में एग्जिस्टेंस में आया। इसको रिकमेंड किया था दत्त कमेटी ने। ये पूरे इंडिया में ये एक्ट जो था एप्लीकेबल हुआ एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, और उसके बाद 1982, 84, 85 और 1991 में इस एक्ट में एमआरटीपी 1999 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमेटी बनाई एस राघवन के अंडर, और ये इस कमेटी की रिपोर्ट के बेसिस पे 2000 में इस कमेटी ने एक रिपोर्ट सबमिट की, और 2002 में इस कमेटी की रिपोर्ट की रिकमेंडेशंस पे कंपटीशन एक्ट 2002 जो था वो इंडिया में एप्लीकेबल हो गया। एमआरटीपी एक्ट को कंपटीशन एक्ट ने रिप्लेस कर दिया 2002 में। ये जो कंपटीशन एक्ट है ये अब पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। अब हम देखते हैं कि एमआरटीपी एक्ट के ऑब्जेक्टिव क्या थे। तो पहला ऑब्जेक्टिव जो एमआरटीपी एक्ट का था दैट वाज प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर टू द कॉमन डेट्रीमेंट। इसका मतलब है कि जो देश की इकोनॉमिक पावर है उसको कुछ ही लोगों के हाथ में आने से रोकना। तो ये एमआरटीपी एक्ट का जो था वो पहला ऑब्जेक्टिव था कि जो इकोनॉमिक पावर है उसको कुछ ही लोगों के हाथों में आने से रोकना। और सेकेंड जो ऑब्जेक्टिव था एमआरटीपी एक्ट का दैट वाज टू कंट्रोल द मोनोपोलिस्टिक रिस्ट्रिक्टिव एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस विच आर प्रीजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ मोनोपोलिस्टिक रिस्ट्रिक्टिव और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जो थी जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट थी उसको कंट्रोल करना, उसको रोकना। तो ये जो दो थे ये मेजर ऑब्जेक्टिव थे एमआरटीपी एक्ट के। आगे हम देखते हैं एमआरटीपी कमीशन क्या है। तो एमआरटीपी एक्ट जो था वो एक लॉ था और उसको एनफोर्स करने के लिए एमआरटीपी कमीशन बनाया गया। इस कमीशन का काम था कि जिन भी इंडस्ट्रीज़ के अगेंस्ट कंप्लेंट आती थी मोनोपोली को लेके या ऐसी प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़ को लेके, ये कमीशन उनके अगेंस्ट इंक्वायरी करता था और रिपोर्ट बनाता था, और इस कमीशन की रिपोर्ट के बेसिस पे ही जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो इन इंडस्ट्री के अगेंस्ट एक्शन लेती थी। तो हम कह सकते हैं कि एमआरटीपी एक्ट जो था वो एक लॉ था और एमआरटीपी कमीशन जो थी वो एक एनफोर्समेंट एजेंसी थी। एमआरटीपी जो एक्ट है उसमें तीन तरह की जो प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़ ट्रेड प्रैक्टिसेस है उसको रेगुलेट किया जाता था। तो हम एक एक करके इन प्रैक्टिसेस को जानते हैं। तो पहली जो प्रैक्टिस थी दैट वाज द मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिस। तो सबसे पहले हम देखेंगे मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस जो है वो क्या है। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन गुड्स की प्रोडक्शन और सेल्स को लेके अपनी पावर्स का मिसयूज़ करती है तो इस तरह की प्रैक्टिसेस को मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस कहा जाता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ सच प्रैक्टिसेस इज़ टू एलिमिनेट कंपटीशन, टेक एडवांटेज ऑफ मोनोपोली एंड चार्ज अनरीजनेबली हाई प्राइसेस। जो मोनोपोलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनीज है, उनका बेसिक पर्पस यही होता है कि किस तरह से कंपटीशन को मार्केट से ख़त्म किया जाए, अपनी मोनोपोली का अनड्यू एडवांटेज लिया जाए और लोगों से हाई प्राइसेस जो है वो चार्ज किए जाए। दिस प्रैक्टिस आल्सो डिटीरियोरेट द प्रोडक्ट क्वालिटी, लिमिट टेक्निकल डेवलपमेंट, प्रिवेंट कंपटीशन एंड अडॉप्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। प्रोडक्शन की क्वालिटी को जो कंपनीज है वो डिटीरियोरेट कर देती है, जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है उसको डिटीरियोरेट कर देती है, क्योंकि उनको पता है कि उनके कंपटीशन में कोई भी नहीं है और जो भी क्वालिटी का वो प्रोडक्ट लोगों को बेचेंगे लोग वो ले लेंगे। टेक्निकल डेवलपमेंट में, R&D में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में वो ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते, क्योंकि जिस तरह की वो प्रोडक्ट मार्केट में लाएंगे, जिस भी लेवल की प्रोडक्ट वो मार्केट में लाएंगे उनको पता है कि उनकी मोनोपोली है, लोग लेंगे। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती है, इस तरह की जो प्रैक्टिसेस करती है इंडस्ट्रीज़, उनको मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस कहा जाता है। अगली जो प्रैक्टिस है दैट इज़
unfair trade practice. So monopolistic trade practice is different from unfair trade practice. So unfair trade practice is the false representation and misleading advertisement of goods and services. जब ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज अपने गुड्स और सर्विसेज के बारे में गलत प्रचार करती है, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन देती है उनके बारे में, या उनका मिसलीड एडवर्टाइजमेंट करती है, वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के अंडर आता है. अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस फॉल्सली रिप्रेजेंटिंग सेकेंड हैंड गुड्स एज न्यू एंड मिसलीडिंग रिप्रेजेंटेशंस रिगार्डिंग यूजफुलनेस, नीड, क्वालिटी, स्टैंडर्ड, स्टाइल एक्सेट्रा ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, की अपनी गुड्स एंड सर्विसेज के बारे की यूजफुलनेस के बारे में, नीड के बारे में, उनकी क्वालिटी के बारे में, उनके स्टैंडर्ड के बारे में जब कंपनीज गलत बताती है, उन गलत एडवर्टीजमेंट देती है, लोगों को मिसगाइड करती है, तो ऐसी प्रैक्टिसेस को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कहा जाता है. नेक्स्ट इज रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस. सो अ ट्रेड प्रैक्टिस विच रिस्ट्रिक्ट और रिड्यूस कंपटीशन इन द मार्केट मे बी टर्म्ड एज अ रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस. सो कंपनीज की इस तरह की प्रैक्टिसेस जो कि कंपटीशन को रिस्ट्रिक्ट करती है या ख़त्म कर देती है या कम कर देती है, ऐसी प्रैक्टिसेस को रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस कहा जाता है. तो ये तीनों प्रैक्टिसेस जो थी वो प्रोहिबिटेड है, और MRTP एक्ट जो था इन तीनों प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए ही भारत सरकार जो थी वो लाई थी. इसके बाद आता है कंपटीशन एक्ट 2002. 1992 में जब भारत में लिबरलाइजेशन का दौर शुरू हुआ, इकोनॉमिक रिफॉर्म स्टार्ट हुए, तो उस टाइम पे MRTP एक्ट था, ये जो था कि हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में, तो इसलिए इस एक्ट को रिप्लेस करना ज़रूरी हो गया था. तो इसके लिए जो कंपटीशन एक्ट 2002 था वो एग्जिस्टेंस में आया. कंपटीशन एक्ट जो है उसके, अब हम उसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ते हैं, क्या थे कंपटीशन एक्ट 2002 के ऑब्जेक्टिव. तो पहला ऑब्जेक्टिव है कंपटीशन एक्ट का, टू प्रमोट हेल्दी कंपटीशन इन द मार्केट, कि मार्केट में कंपटीशन को प्रमोट करना. जहाँ पर MRTP एक्ट का मेन फोकस मोनोपली पे था, वहाँ पे कंपटीशन एक्ट का फोकस जो था वो कंपटीशन पे था, कि किस तरह से इंडियन मार्केट में कंपटीशन को प्रमोट किया जाए, हेल्दी कंपटीशन को प्रमोट किया जाए. देन सेकंड इज़ टू प्रिवेंट दोज प्रैक्टिसेस विच आर हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन, और उन प्रैक्टिसेस को रोकना जो कि कंपटीशन पर एडवर्स इफेक्ट डालती है. ऐसी प्रैक्टिसेस जो कंपटीशन को रोकती है, उन प्रैक्टिसेस को, उन एक्टिविटीज़ को रोकना. देन थर्ड ऑब्जेक्टिव है कंपटीशन एक्ट का, टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ कंसर्न्स इन ए सूटेबल मैनर, ट्रेडर्स के, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना. देन फोर्थ इज़ टू इंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड इन इंडियन मार्केट, इंडियन मार्केट में ट्रेड को फ्री करना. देन फिफ्थ ऑब्जेक्टिव इज़ टू प्रिवेंट अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंट पोजिशन इन द मार्केट एक्टिवली, कि अगर कोई अपनी कोई इंडस्ट्री अपनी डोमिनेंट पोजीशन का मिसयूज कर रहा है, उसको रोकना. देन सिक्स ऑब्जेक्टिव इज़ रेगुलेटिंग द ऑपरेशन एंड एक्टिविटीज़ ऑफ कॉम्बिनेशन, जो भी कॉम्बिनेशन बनते हैं, जो भी मर्जर्स एंड एक्विजिशंस होते हैं कंपनीज़ के बीच में, उनकी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करना, कंट्रोल करना, देखना कि कोई इस तरह के कॉम्बिनेशन तो नहीं बन रहे जो कि कॉम्पिटिशन में हिंड्रेंस डाल रहे हैं, कॉम्पिटिशन में रुकावट डाल रहे हैं. देन सेवन्थ ऑब्जेक्टिव इज़ टू क्रिएटिंग अवेयरनेस एंड इम्पार्टिंग ट्रेनिंग अबाउट द कॉम्पिटिशन एक्ट. एंड लास्ट जो ऑब्जेक्टिव है कॉम्पिटिशन एक्ट का, कि अवेयरनेस क्रिएट करनी, ट्रेनिंग देना और बताना कि कॉम्पिटिशन एक्ट है क्या. सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट 2002. सो द कॉम्पिटिशन जो एक्ट 2002 है इज़ डिज़ाइन फॉर दीज पर्पसेज. तो किन, ओवरऑल स्कीम क्या है कॉम्पिटिशन एक्ट की, तो कंपटीशन एक्ट जो बेसिकली ये तीन एस्पेक्ट्स को कवर करता है. फर्स्ट इज़ द प्रोहिबिशन ऑफ एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट, सेकंड इज़ प्रोहिबिशन ऑफ अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, एंड थर्ड इज़ रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन. तो अब हम इन तीनों कंपटीशन एक्ट के इन तीनों एस्पेक्ट्स को एक एक करके देखते हैं कि क्या है ये. सो फर्स्ट वन इज़ प्रोहिबिशन ऑफ एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट, सेक्शन 3. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 ऑफ द एक्ट, no enterprise or association of enterprises or persons or association of persons shall enter into any agreement in respect of production, supply, distribution, storage, acquisition or control of goods or provisions of services which cause or is likely to cause an appreciable adverse effect on competition within India. Iska matlab ye hai ki koi bhi enterprise, koi bhi association इस तरह की प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व नहीं हो सकता, या इस तरह की एग्रीमेंट नहीं कर सकता जो कि एंटी कॉम्पिटिटिव है,
जो कि कंपटीशन को मार्केट में रोकते हैं, अगर ऑर्गेनाइजेशंस, एंटरप्राइजेज या एसोसिएशन ऑफ पर्सन इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जो कि मार्केट में कंपटीशन को रोकते हैं, ख़त्म करते हैं या रिस्ट्रिक्ट करते हैं, तो इस तरह की जो भी एग्रीमेंट है दैट आर प्रोहिबिटेड अंडर कंपटीशन एक्ट 2002. सो एज पर सेक्शन 3 सबसेक्शन ऑफ 2, एनी एग्रीमेंट एंटर्ड इन कंट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 शैल बी वॉइड. मतलब अगर कोई ऐसी तरह का एग्रीमेंट हो जाता है एंटरप्राइजेस में जो कि कंपटीशन को रोकता है या रिस्ट्रिक्ट करता है, तो वो जो एग्रीमेंट है वो वॉइड कहलाएगा. सेकेंड है प्रोहिबिशन ऑफ एब्यूज़ ऑफ डोमिनेंट पोजिशन, सेक्शन 4. सो सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 ऑफ द एक्ट स्टेट्स नो एंटरप्राइज शैल अब्यूज़ इट्स डोमिनेंट पोजिशन. इसका मतलब है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी डोमिनेंट पोजिशन का, मतलब अपनी पावर का मिसयूज नहीं कर सकता. इट मे बी नोटेड दैट डोमिनेंट पोजिशन इज नॉट इट्सेल्फ प्रोहिबिटेड, वट इज़ प्रोहिबिटेड इज इट्स मिसयूज. तो डोमिनेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी कंपनी की डोमिनेंट पोजिशन जो है वो प्रोहिबिटेड नहीं है. मतलब अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की या कंपनी की मार्केट में रेपुटेशन है, स्ट्रेंथ, वो स्ट्रांग है मार्केट में, उसकी मोनोपोली कह सकते हो आप अगर है, तो दैट इज़ नॉट ए बैड थिंग. जो गलत बात है कि अगर वो अपनी इस डोमिनेंट पोजीशन का मिसयूज़ करता है. फॉर एग्जांपल वो बाकी जो छोटी एंटरप्राइजेज है उनको रोकता है, उनकी एग्जिस्टेंस को ख़त्म करता है, अपनी पावर का मिसयूज़ करता है, तो दैट थिंग इज़ प्रोहिबिटेड, राइट. तो डोमिनेंट पोजीशन इज़ नॉट प्रोहिबिटेड, वट इज़ प्रोहिबिटेड इज़ जो वो अपनी मिसयूज़, अगर वो मिसयूज़ करता है अपनी डोमिनेंट पोजीशन का, तो दैट इज़ अगेंस्ट द एक्ट. सो नेक्स्ट इज़ दी रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशंस. सो ये आता है सेक्शन 5 के अंडर में. सो सेक्शन 5 ऑफ द एक्ट रिलेट टू रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन. सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 सबसेक्शन 1, नो पर्सन और एंटरप्राइजेस शैल एंटर इन टू अ कॉम्बिनेशन विच कॉज और इज लाइकली टू कॉज एन अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कॉम्पिटिशन विद इन द रेलिवेंट मार्केट इन इंडिया एंड सच ए कॉम्बिनेशन शैल बी वॉइड. इसका मतलब है कि जब कोई दो ऑर्गेनाइजेशन, सपोज दो ऑर्गेनाइजेशन मिलकर एग्रीमेंट करती है, यंग दो कंपनीज में मर्जर्स एक्विजिशंस होते हैं, और ये मर्जर्स एंड एक्विजिशन मार्केट में कंपटीशन को ख़त्म करने के लिए हो रहे हैं, तो दैट थिंग इज़ प्रोहिबिटेड इन अंडर दिस एक्ट. सो द कॉम्बिनेशन इन इटसेल्फ इज़ नॉट प्रोहिबिटेड, इट विल बी हेल्ड वर्ल्ड ओनली इफ़ एडवर्सली इफेक्ट द कॉम्पिटिशन. तो कोई भी अगर कॉम्बिनेशन बनता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस कॉम्बिनेशन में आती है, एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट करती है, अगर उनका पर्पस है कि कंपटीशन को मार्केट में से ख़त्म करना है, तो ये जो उनका कॉम्बिनेशन है दैट विल बी कंसीडर एज वॉइड. तो उसको वॉइड माना जाएगा, उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा. सो दीज आर द 3 आस्पेक्ट्स ऑफ द कंपटीशन एक्ट 2002. कंपटीशन एक्ट को एप्लीकेबल करने के लिए कंपटीशन कमीशन जो था वो एग्जिस्टेंस में आया, और इट वाज एस्टैब्लिश इन अक्टूबर 14 अक्टूबर 2003. तो इस एप को एप्लीकेबल करने के लिए कंपटीशन कमीशन जो था 2003 में एग्जिस्टेंस में आया. आगे हम डिफरेंस देखेंगे एमआरटीपी एक्ट और कंपटीशन एक्ट में. सो पहला जो डिफरेंस है एमआरटीपी एक्ट और कंपटीशन एक्ट में, दैट इज़ मीनिंग एमआरटीपी एक्ट इज़ द फर्स्ट कॉम्पिटिशन लॉ मेड इन इंडिया विच कवर्स rules and regulations relating to unfair trade practices, whereas Competition Act is implemented to promote and keep up competition in economy and ensure freedom of business. तो जहाँ competition जो MRTP Act था वो existence में आया unfair trade practices को रोकने के लिए, वही Competition Act जो था उसका वो existence में आया competition को, market में competition को promote करने के लिए. देन नेचर, एमआरटीपी एक्ट का नेचर रेफोमेट्री है, रेफोमेट्री था, और कंपटीशन एक्ट का नेचर प्यूनिटिव है. तो रेफोमेट्री क्या है? रेफोमेट्री था कि अगर कोई इंडस्ट्री, कंपनी गिल्टी पाई जाती है एमआरटीपी एक्ट, पाई जाती थी एमआरटीपी एक्ट में, एक्ट के अंडर, तो उसमें सीज एंड डिजिस्ट का ऑर्डर प्रोविजन था. मतलब कि कंपनी को उस प्रैक्टिस को रोकना है और उसको चेंज करना है. प्रैक्टिस जो अगर कंपनी कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस अडॉप्ट कर रही है तो उसको उस प्रैक्टिस को रोकना है. बट कंपटीशन एक्ट में ऐसा नहीं था. कंपटीशन एक्ट में अगर कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन गिल्टी पाई जाती है तो उसके अगेंस्ट पनिशमेंट थी, राइट.
थर्ड इज डोमिनेंस. सो MRTP एक्ट में डोमिनेंस जो थी कंपनी की वो उसकी फर्म की साइज पे बेस करता था, और कंपटीशन एक्ट में जो डोमिनेंस होती है कंपनी की वो उसकी सेल्स के बेसिस पे फाइंड की जाती है. देन MRTP एक्ट का फोकस जो था दैट इज उसके कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना था, बट कंपटीशन एक्ट में पब्लिक एट लार्ज को फोकस किया जाता है. देन ऑफेंस अगेंस्ट प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, तो MRTP एक्ट में 14 ऑफेंसेस थे, वेयर एज कंपटीशन एक्ट में 4 ऑफेंसेस आते हैं. MRTP एक्ट में इन ऑफेंसेस के लिए कोई पेनल्टी नहीं थी, बस उनको अपनी जो प्रैक्टिसेस है उसको रोकना या उसको चेंज करना था, बट कंपटीशन एक्ट में इन ऑफेंसेस के लिए उनको पेनल्टी का प्रोविजन है. MRTP एक्ट का ऑब्जेक्टिव था मोनोपोलीज को कंट्रोल करना, वेयर एज कंपटीशन एक्ट में जो फोकस था वो था कंपटीशन को प्रमोट करना. सो 1992 के बाद जो जब हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म स्टार्ट हुए तो जो हमारा फोकस था वो मोनोपोली से शिफ्ट होके कंपटीशन पे आ गया था. देन अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन, चेयरमैन था MRTP कमीशन का, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती थी, वेयर एज इन कंपटीशन एक्ट जो चेयरमैन है कंपटीशन कमेटी का वो रिटायर्ड जजेस या अदर जो स्पेशलाइज्ड है अपने फील्ड में उनकी कमेटी जो है वो बनाई जाती है. सो दीज आर द डिफरेंसेस अमंग द MRTP एक्ट एंड द कंपटीशन एक्ट. सो दिस इज ऑल अबाउट द MRTP एक्ट एंड हाउ MRTP एक्ट अबॉलिश्ड ऑब्सोलीट एंड इट वॉज रिप्लेस्ड बाय कंपटीशन एक्ट 2002. सो लर्नर्स नेक्स्ट कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं आपके लिए, तो आप इन क्वेश्चंस को घर में अपने ज़रूर सॉल्व कीजिएगा. सो लर्नर्स आज का सेशन यही तक. थैंक यू.